शादी के दिन दूल्हे को लगा जोरदार झटका, घर छोड़कर भागे दुल्हन के परिजन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़। चले बढ़ते हैं खबर की ओर। पंजाब के मोगा जिले के एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक शख्स की बारात सजी और निकल गई बैंड बाजे के लेकर दुल्हन को लेने के लिए, लेकिन दुल्हन के दरवाजे तक बारात भी गई। लेकिन बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो आश्चर्यचकित रह गए। दुल्हन के दरवाजे पर ताला लटका मिला। जब दुल्हन के परिजनों के मोबाइल पर फोन किया गया तो उनका मोबाइल बंद था। दुल्हे के परिवार ने इस धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में की है। दुल्हे हरजिंदर सिंह के परिजनों ने बताया कि लगभग एक महीने पहले उनके लड़के की शादी मोंगा के गांव रेडवा में रहने वाली एक लड़की के साथ तय हुई थी। शादी से एक दिन पहले लड़की परिवार वालों की तरफ से शगुन भी डाला गया था। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह जब वो बारात लेकर निकले लगे तो कुछ लोगों की तरफ से उनकी गाड़ी के आगे कार लगाकर उन्हें बताया गया कि लड़की की पहले से ही कोर्ट मैरिज हो चुकी है। दुल्हे के परिजनों ने बताया कि उस वक्त लड़की नाबालिग होने के कारण लड़की के पहले पति को सजा भी हुई है। जब हम बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे तो आगे से घर पर ताला लटका मिला। जब हमने फ़ोन पर लड़की के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की तो फ़ोन स्विच ऑफ था, जिसके चलते दुल्हे के रिश्तेदारों ने दुल्हन के परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। इधर मौके पर पुलिस पहुंची तो बताया कि डायल करने पर 112 पर शिकायत दुल्हे के परिवार की तरफ से कराई गई है, जिसके रात वो लोग पहुंचे हैं और अब दुल्हे के परिजनों को थाने आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए कहा गया है। आपको क्या लगता है इस तरीके से धोखाधड़ी होता है? इसीलिए पूरी जाँच करने के बाद ही काम करें, नहीं तो ऐसी नौबत देखनी पड़ सकती है। दुल्हन भाग जाएगी आपकी और आप वापस बेरंग लौटेंगे। आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।